हेलो फ्रेंड्स, किरण कुकिंग जोन में आपका स्वागत है। आज मैं यूपी बिहार में बनाए जाने वाली रेसिपी हरे मटर का निमोना की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। इसे सर्दियों में जब ताज़ी हरी मटर का समय होता है तब बनाकर खाया जाता है। यह खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मैंने लिया है यहाँ पर 1 किलो हरी मटर, जिसको मैंने छील लिया है। मटर हमें अधिक पकी हुई नहीं लेनी है, मटर वही ले जिनके दाने नरम और मीठे हों। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और थोड़े छोटे दानों को अलग निकाल कर रख लिया है। इसे हम नहीं पीसेंगे और बाकी मटर के दानों को दरदरा पीसेंगे। और मैंने लिया है यहाँ 2 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू, जिसे छील कर अच्छे से वॉश कर लिया है। अब एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें मटर के दानों को डालकर पीस लेंगे। ध्यान रखें कि मटर पीसते समय हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और इसे दरदरा ही पीसना है। देखिए, मैंने इसे पीसकर एक बाउल में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इसे मैंने बहुत महीन नहीं पीसा है, इसमें थोड़े मटर के बड़े टुकड़े भी रह गए हैं। हमें इसे दरदरा ही पीसना है। थोड़े छोटे और मुलायम दानों को हम ऐसे ही साबुत डालेंगे। आलू को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। मैंने एक गांठ लहसुन को छील लिया है। ये लगभग 12-13 लहसुन की कलियां हैं। हरा धनिया ये लगभग 100 ग्राम के करीब है, इसे भी मैंने अच्छे से वॉश करके काट लिया है। और 2 हरी मिर्च। अब उसी मिक्सी जार में इन सभी तीनों चीज़ों को पीस लेंगे। देखिए, मैंने इसे पीस लिया है। अब इसे एक बाउल में निकाल कर रख लेंगे। अगर इसे पीसने में परेशानी हो रही हो तो आप इसमें 1 चम्मच पानी भी मिलाकर पीस सकते हैं। तड़के में मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे महीन महीन काट लिया है। 1/2 टीस्पून जीरा, 1 पिंच हींग और 2 स्मॉल साइज़ के टमाटर, जिसे भी मैंने महीन महीन काट लिया है। सूखे मसाले में चाहिए हमें 1/3 स्पून हल्दी पाउडर, 1/3 स्पून गर्म मसाला, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। सबसे पहले आलू के कटे पीसेस को फ्राई करेंगे, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल में निमोने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तेल गर्म हो गया है, इसमें मैं कटे आलू के पीसेस डालकर इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। इसे उलटते पुलटते दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू गोल्डन हो गए हैं, अब मैं इसे निकाल लूंगी। आलू फ्राई करने में अधिक तेल यूज नहीं होता है। फ्राई होने के बाद ये तेल को छोड़ देता है, लेकिन इसको फ्राई करने के लिए थोड़ा अधिक ऑयल डालना पड़ता है, नहीं तो आलू जल जाएंगे। कढ़ाई में अधिक ऑयल है तो थोड़ा ऑयल मैं निकाल दूंगी। अब मैं इसमें 1 पिंच हींग डाल दूंगी। अब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा, जीरा तड़क गया है, इसमें कटे प्याज भी डाल देंगे और इसे चलाते हुए लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें पिसे मटर और साबुत मटर के दाने डाल देंगे। इसे चलाते हुए तेज आंच पर 5 मिनट तक भून लेंगे। इसे लगातार चलाते रहेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसमें लहसुन, मिर्च और हरा धनिया को जो मैंने पीसा था वो भी डाल दूंगी। और इसमें 1/2 टीस्पून सूखा धनिया और 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर भी डाल दूंगी। इसे चला लेंगे। इसमें हल्दी बहुत ही कम डाला जाता है, क्योंकि इसे अधिक येलो नहीं करना होता है, इसका कलर ग्रीन ही अच्छा लगता है। मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डालती, इसमें हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इससे कलर भी अच्छा आता है, तो इसमें लाल मिर्च ना डालकर हरे मिर्च का इस्तेमाल करें। इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से मसाले का कच्चापन दूर होने तक भून लेंगे। अब इसमें कटे टमाटर और 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर देंगे। निमोना में टमाटर पीस कर नहीं डालते हैं, इसमें टमाटर काट कर ही डाला जाता है, इसलिए आप भी टमाटर काट कर ही डालें, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा चला लेंगे और इसे ढककर धीमे आंच पर टमाटर के सॉफ्ट होने तक पकने देंगे।
बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं, इसमें फ्राई किए हुए आलूओं को भी हम ऐड कर लेंगे और इसे चला लेंगे। अब इसमें पानी भी डाल देंगे, इसे जितना आप पतला या गाढ़ा रखना चाहें उसी के अकॉर्डिंग पानी ऐड करें। वैसे निमोना ना अधिक पतला होता है ना ही अधिक गाढ़ा बनाया जाता है। इसे चला लेंगे। पानी डालने के बाद एक बार नमक को चेक कर लेंगे। इसमें मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए मैं इसमें 1/3 टीस्पून नमक और मिक्स कर दूंगी और इसे ढककर धीमे आंच पर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। इसे बीच बीच में कई बार चलाते हुए पका लेंगे। निमोना बनकर लगभग तैयार है। अब इसमें 1/3 टीस्पून गरम मसाला भी मिला देंगे। इसमें गरम मसाला अधिक नहीं डाला जाता है और इसे चला लेंगे। इसे ढककर 1 मिनट और लो फ्लेम पर पकने देंगे जिससे गरम मसाले का टेस्ट निमोना में आ जाए। 1 मिनट हो गए हैं, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में सर्व कर लेंगे। इसको आप रोटी पराठा और चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। चावल के साथ तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, एक बार आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से बनाकर देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। थैंक यू।